No Excuses, The Power of Self-Discipline by Brian Tracy। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर वह सही काम करने में इन्वेस्ट करें तो वह बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोग मानते हैं सफलता के लिए क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है, वह है आत्म अनुशासन। आपको भाग्यशाली होना या बहुत पैसे होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपको किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ गोल में सफल होने के लिए जो करना है वह सिर्फ डिसिप्लिन है। दुर्भाग्य से लोगों के सफल ना हो पाने के दो दुश्मन होते हैं। पहला है कि वो आलसी होते हैं, दूसरा यह है कि तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वह लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बिना सोचे फैसला कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहते हैं, कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूं, जिनमें अधिकतर लोग यह सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह सब हासिल होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी बहाना बनाने की आदत। हम चीज़ों को टालम टोल करते हैं, जैसे हम समडे वर्ड का यूज करते हैं, मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूँगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा। हर बात में हम समडे ले जाते हैं। धीरे धीरे बहाने बनाने की हमारी आदत एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम डिजीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, मतलब बहाना बनाने की प्रॉब्लम या बीमारी भी कह सकते हैं। सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे कि टीवी देखने के बदले कामयाब पढ़ाई करना। वह उन चीज़ों पर काम करते हैं जिसे पूरा कर उनका फ़ायदा हो, वह उसके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जो काम करने में उन्हें अच्छा नहीं लगता, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठ कर टीवी देखना। यह लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो करने से उनका टेंशन कम हो। खुद को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के कुछ तरीके हैं। नो एक्सक्यूजेस, मेक योर माइंड फॉर सक्सेस। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो वो आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती हैं, लेकिन उन आदतों के साथ ज़िंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती है, लेकिन एक बार बन जाती हैं तो ज़िंदगी आसानी से गुजरती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन की आदत बनाई जानी चाहिए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत एडवांस में भरने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके पॉडकास्ट को सुनो, उनके सेमिनार को अटेंड करो या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करो। ज़िंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। पढ़ाई में ताकत है आपको एक बेहतर इंसान बनाने में। जिस तरह जब आप एक केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड के कॉम्बिनेशन को इनिशियली गर्म करते हैं तो वह क्रिस्टल्स में बदल जाता है, फिर वह वापस लिक्विड नहीं बनता। अगर आपको वो बनाना है जो पहले कभी नहीं बने हो, उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। उन स्किल्स को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने कभी पहले नहीं किया है। बिल्ड योर करेक्टर। अपने आइडियाज़ को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके क्या गोल्स हैं, अपने आप का एक फ्यूचर इमेज इमेजिन करो। उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेवियर करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो रुको और खुद को एनालाइज करो। मैं ऐसा नहीं हूँ,
अगली बार मैं बेटर कर लूँगा, या ठीक है ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधों पर कोई हो, एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। जब जिस पर ध्यान देते हो वह बढ़ता जाता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेदारियों को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको थोड़े से फायदे में रखता है, आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करने वाली आदतों को पकड़ना चाहिए। आप जो चाहे वह पढ़ सकते हो, जिसे पढ़कर आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हो जो आपने अपने लिए सेट किए हैं। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। अपने निगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाए, खासकर अपने गुस्से से। जैसे ही आपको कोई निगेटिव इमोशंस दिखाई पड़ता है, तब आप अपने आप से कहो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ऐसे में आप अपने निगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए आप जब कहते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तब आप उस वक्त के लिए निगेटिव इमोशंस को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और निगेटिव इमोशंस को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, इसलिए आप जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो। फिर सब कुछ मुमकिन है। आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी अपनाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल और एक्सपीरियंस करते रहोगे। हैव गोल्स, आपके गोल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे, अपने गोल्स नहीं बनाओगे, तो उस पर निशाना कैसे साधोगे? बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल्स हैं, असलियत में वह सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशें ही होती हैं। अपने गोल्स को लिखो। जब हम गोल्स को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिकल गोल से ट्रिगर होता है। बस आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स हैं वह आपको उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएंगे। गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7-step method है, वो है डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो, आप उतना स्पेसिफिक होने की सोचो। आप उसे एक पेपर पर लिखो। आप उस गोल को हासिल करने का डेडलाइन सेट कर सकते हो। कभी भी गोल अनरियलिस्टिक यानी अवास्तविक नहीं होना चाहिए, बल्कि डेडलाइन अनरियलिस्टिक होती है। आप हर उस चीज़ का लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। हर उस चीज़ की भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना होगा। आप उस लिस्ट को सीक्वेंस और प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करो। अब उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करो। बिना टाइम वेस्ट करे हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल के और पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होगा, फिर धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा। अपने गोल की तरफ जाने का जो भी है वो सेल्फ डिसिप्लिन आपको दिलाएगा। तो अभी आप एक पेपर लीजिए, उसमें अपने गोल्स को लिखिए, उसके दूसरे कॉर्नर पर आज की तारीख भी लिख दीजिए। अब 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। अब 3-5 minutes में 10 गोल्स लिख दीजिए। अब उन गोल्स की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सेलेक्ट कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको और गोल्स हासिल करने में मदद मिले। इसके बाद एक और पेपर लीजिए, अपने इस गोल को उसमें लिखिए। यही गोल आपका पर्पज बनता है। अपने सवाल के 20 जवाब लिखिए। शुरुआत के 3-5 आसान होंगे, उसके बाद के 5-10 मुश्किल होंगे। ग्रो ईच डे, आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसे कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। टॉप पर जाने के लिए ज़िंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह ही होती है, उस पर वक्त के साथ काम करना पड़ता है। ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। हर चीज़ को सीखा जा सकता है। आप जो चाहे वह सीख सकते हैं, जिससे आप अपने गोल्स को हासिल कर
लोग हैं। हैव करेज, हमेशा हिम्मत रखो। हिम्मत का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता है, हिम्मत का मतलब होता है कि अपने डर को काबू में करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेंड करता है डर का सामना करने के लिए, जबकि एक कायर डर को अपने आप को काबू करने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता है, इसलिए अपने डर को भुला भी सकते हो। डर का साथीदार चिंता होती है। जब भी आप चिंता करो तो एक डिजास्टर रिपोर्ट को फिल करो, जिससे आपकी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। डिजास्टर रिपोर्ट के 4 भाग होते हैं। पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर यह चिंता सच होती है तो क्या सिचुएशन होगी। फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, फिर तुरंत तैयारी करो ताकि वह सिचुएशन इम्प्रूव हो। डर का एंटीटोड होता है ये, अपने गोल्स की तरफ आपको ये बढ़ाएगा। परसिस्टेंट, कभी कोशिश करना मत छोड़िए। लगातार काम करते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी बाधा आए आपको हर हालत में डटे रहना चाहिए। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। खुद पर अफसोस मत जताओ, कितनी बार गिरे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप ऊपर उठोगे तो वह इम्पॉर्टेंट हमेशा रहेगा। वर्क, एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो हमें ज़िंदगी में हासिल होता है वह हम उन कामों से हासिल करते हैं जो हम 20% ही करते हैं। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाइए जो आप करते हो, छोटे बड़े सारे कामों को। आप उस लिस्ट में से एक ऐसा काम सेलेक्ट करें जो बहुत ज़रूरी है, फिर उसे सर्कल करो, फिर दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को सिलेक्ट करो, फिर तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहचान करो।